हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने पहले से लिखा हुआ है। ये सुमिता अरोड़ा की जो बुक है, प्रैक्टिकल बुक, उसका पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें बड़ा ही साधारण सा सवाल दिया गया है। अब इसमें देखिए ना, ये टपल बनाया गया। अब टपल कैसे, ये टपल कैसे है, कैसे पता? तो ये देखिए, ये स्मॉल ब्रैकेट यहाँ यूज किया गया है, जो हमें ये बताता है कि ये टपल है। टपल के बारे में मैंने पहले बता रखा है कि एक बार हमने टपल बना लिया तो यू कैन नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन टपल। सो टपल इज इम्यूटेबल, इम्यूटेबल, इम्यूटेबल यानी यू कैन नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन टपल वंस यू हैव क्रिएटेड। तो यहां पर हम अपेंड करा रहे हैं, तो अपेंड कराना या पॉप कराना दोनों ही संभव नहीं है टपल में। तो ऐसे कंडीशन में आपको एरर आएगी। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इस कंडीशन में क्या होगा, क्या आउटपुट आएगा, आपको सीधा बोलना है कि टपल में कोई भी चेंजेस परफॉर्म किया नहीं जा सकता है, एक बार वो बन गया तो इस कंडीशन में एरर आएगी। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन देखिए। फिर यहां माय टपल 2 दिया गया है और इसमें 1, 2, 3 को स्टोर कराया गया है। और फिर देखिए माय टपल 3 के नाम से एक बनाया है टपल जिसमें सिर्फ 4 को स्टोर कराया है। तो अब ये सारे ही इंटीजर्स हैं, तो यहां पे इन दोनों को कॉन्केटिनेट कराना है, तो हम इनको कॉन्केटिनेट नहीं करा सकते। बताता हूं तो ये एरर जनरेट करेगा। तो देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है, कैन ओनली कॉन्केटिनेट टपल नॉट इंटीजर टू टपल। ठीक है, तो यहां पर जो है इंटीजर, जो दो इंटीजर्स हैं टपल में, जो आपने दो इंटीजर्स बनाए हैं, ये देखिए ये पहला इंटीजर है, ठीक है, और ये दूसरा इंटीजर है। तो यहां पर अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ कॉमा देकर के और भी चीजें लिख दी जाएंगी तो ये कॉन्केटिनेट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ये सिंगल इंटीजर को कॉन्केटिनेट नहीं करा सकता, तो यहां पर ये मल्टीपल जो है नंबर्स अगर आप दे देते हैं तब ये कॉन्केटिनेट कराएगा। लेकिन अगर आप सिंगल देते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो 4 लिखा था, अब यहाँ पे 400 लिख दू तो भी ये कॉन्केटिनेट नहीं कराएगा, ये एरर ही देगा। तो देखिए यहाँ पे फिर एरर आने लगा। तो जब आप मल्टीपल वैल्यूज देंगे टपल में तब ये कॉन्केटिनेट करा सकते हैं। तो इन दोनों ही सवालों के आपको जवाब मिले होंगे। ठीक है, अब देखिए एक और देखते हैं, इस बार हम लिस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब हम लिस्ट बनाने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए यहां पर क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा। ठीक है, अब लिस्ट जो है म्यूटेबल होता है, तो लिस्ट में तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर 0, 3, 4, 5 ऐसे बहुत सारी वैल्यूज दे दी गई। ठीक है, कर देता हूं माई लिस्ट। ठीक है, तो माई लिस्ट हो गया। और अब देखिए, अब यहां पर क्या करूंगा मैं, और रिमूव नाम का एक चीज और करना, ये जो माई लिस्ट है यहाँ 2 हटा दीजिएगा, बाकी सब तो सही है। ठीक है, अब यहां से इसको चला देता हूं कि वैल्यू कौन है, तो 3 नंबर की वैल्यू 0, 1, 2, 3। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये 5 को रिमूव करने वाला है तो बिल्कुल नहीं करेगा, ये सिर्फ 3 को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो देखिए मैं दिखाता हूं चला करके भी, तो इसमें से 3 रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या 0, 4, 5। ठीक है, तो रिमूव ऐसे ही काम करता है, देखिए 0, 4, 5 बचा। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं चाहता हूं कि ये 0 को रिमूव कर दे तो सिर्फ यहाँ 0 लिख दीजिएगा, बाकी ये 0 को रिमूव कर देगा। तो देखिए 0 हट गया है, 3, 4, 5 दिखा रहा है, देख रहे हैं। तो जैसे ये रिमूव फंक्शन है ना, रिमूव फंक्शन लिस्ट के अंदर रिमूव करने का काम करता है, वो वैल्यू को रिमूव कर देगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं ये सारी बातें समझ में आई होंगी।